हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज 12 बजे। अभी फ्री हुई हूँ, जस्ट अभी नाश्ता भी नहीं करा है मैंने, अब करूँगी नाश्ता। नाश्ता में भी मैंने आज शॉर्टकट कर दिया है, फिंगल वगैरह तल दिए, क्योंकि सुबह से मैं ये काम पे लग गई थी। मिस्टर जी सब्जी ले आए थे मंडी से, तो ये साफ सूफ करके यही काम चल रहा था। देखिए मेथी भी तोड़ के, इसमें भी टाइम लगता है, ये भी सुखाने के लिए रख दी। खीरा वगैरह सारे, टमाटर कैप्सिकम, इतनी सब्जी आई है। पालक को भी धो के रख दिया, हरी सब्जियाँ ही हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो यही काम पे लगी थी मैं सुबह से, पहले झाड़ू पोछा करा, उसके बाद सारा यही काम चल रहा था। और अब कर लेती हूँ नाश्ता। ये तल लिए थे मैंने, बच्चों ने तो कर लिए, उनने मैगी भी खा ली और ये भी खा लिए हैं, अब मैं खा लेती हूँ। गाइस, दही और ये पापड़ खाने में बड़े स्वाद लगते हैं, तो मैं कभी कभी खा लेती हूँ ऐसी। दही भी साथ में और पापड़ भी, नमकीन और खट्टा भी अच्छा लगता है, तो खाते हैं पापड़। गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और दाल पालक बनाऊंगी आज। दाल और पालक उबाल के रखती है, मसाला बनाती हूँ फटाफट, फिर बना लेती हूँ खाना। तो गाइस, दाल पालक बन रही है यहाँ पे, और पार्लर में आ गए हैं कस्टमर, तो मैं उनका काम कर लेती हूँ। चावल मसाला बनाएगी आज। गाइस, दिन के 3:30 बज चुके हैं और मुझे 1 बजे भजन बजाना था। मैं पार्लर में आ गई कस्टमर, तो मैं उन्हीं में रह गई अभी तक। अब मैं खाना खा लूँ। मम्मी को 1 बजे जाना था, 3:30 हो गए। तुमने खा लिया खाना? इनका तो हो गया है, देखो अभी मैंने मेरा 1 घंटे नहीं खा लिया। और मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर जाऊँगी उधर। पिंकी पंकी पू और वो है, तुम उनको ही निकाल कर लो। वो मैं जो भी बच्चा आता ना, सब पूरी परिवार बना देते। वो सबसे छोटा लड़का वो मम्मी पापा, ये पापा बनता है मेरा। छोड़ो, मैं खाना खा लेती हूँ। गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जाके आती हूँ भजनों में। और मैं लाऊंगा 5-2 रुपए की फ्रूटी, ये होगी आपने गर्मी में पीता ना सब। इसको ये आलतू फालतू चीजें काफी पसंद आती है। ये टैली वहाँ रख दो बेटा, गंदा हो रहा है। तो मैं जाके आती हूँ। पिटू, मेरे वो वाले सैंडल दे यार, मैरून वाले सैंडल आ चुके हैं बाहर, क्योंकि गैलरी में ही रखते ना हम लोग, बाकी और जूते चप्पल डेली यूज वाले रखते हैं बाहर। वो छत पे गया कपड़े लेके आ रहा, घड़ी कर लेना है ना बिट्टू। चलो मैं जाके आती हूँ, बाय। मौसम तो आज का भी ऐसे ही होगा, बारिश जो आ जा रही है आजकल डेली। कल तो काफ़ी बारिश हुई थी और आज भी लग रहा है कि बारिश आने वाली है। इधर से पड़ोसियों को बुला लेती हूँ। चंचल आ जाओ। इस मौसम ऐसा हो रखा ठंडा ठंडा। आंटी जी और चल रहे हैं आगे से। अंशु आ गया अपने लेके, अगर जुकाम उखाम हुआ फिर बताऊँ देर को। रुक, फालतू चीज़ें लेके आता है। भजनों में पहुंच चुके हैं, बेबी है ना, अपने नानी घर आया है इसलिए भजन करवाए थे इन्होंने। और भजनों में आए, देखो कितना क्यूट सा बेबी है मेरा, ये देख भी रहा है अच्छे से। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और ये इसके मम्मी है, मेरे वीडियोस भी देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, देखते लाइक शेयर कर दिया पहले फैन है। हाँ देखो, अच्छे लगते हैं ना वीडियोस। चलो थैंक यू, करते रहो। और ये भी देखते, देखो देख रहे अपनी फोटो। Yeah.
मम्मी बनने की खुशी में काफी सुंदर डांस कराए उन्होंने आज। जब मैं यहाँ आई थी तभी बहुत छोटे थे और आज मम्मी बन गए, काफी छोटे से पहचानते हैं। हाँ जी, हम आमने सामने ही रहते थे पहले, तो अपने मिस्टर से बता दो, ये मेरे वीडियोस भी देखते हैं। ये तो मेरे वीडियोस सब्सक्राइब करते हैं, ग्वालियर से तो अभी आए हैं अपने मम्मी के घर और मेरे ब्लॉगों को काफी पसंद करते हैं। आप फॉलो करते कि नहीं करते? चलो तो ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ो, लाइक करें। देखो मेरे ननद ने भी बोल दिया, अब तो आपको करना ही पड़ेगा, इग्नोर करने का काम नहीं होएगा। कैसे पहुंच चुकी हूँ घर पे, घर पे गेट तो खुला है, बच्ची खुशी कोचिंग चली गई होगी। काफी अच्छा लगा उनके यहाँ भजनों में जाके, वो एक दिन पहले भी मिले थे, बोल रहे थे कि हम आपके सारे ब्लॉग्स देखते हैं। उनका अच्छी बात है, बोले मेरे मिस्टर जी भी आएंगे आपके घर पे आपसे मिलने, तो आज हमें मिल के आ गए उनसे। देखती हूँ घर वाले कहाँ गए। गए शाम के 7 बज चुके हैं, अब थोड़ी देर टहल लिए थे नीचे और अब बनाती हूँ खाना किचन में जाके। किचन का ही नंबर आता है, वही कटिंग करा के लिया, बोला आज इसे सुबह मैंने इतने लंबे बाल फालतू चीजें बनाती, मेरे को तो इसके काम बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, पता नहीं कैसे काम करता है ये। छोड़ मेरे को खाना बनाना, इसको फेंको, अभी दीदी के लग गई थी ना इसे। अरे दीदी के साइड इतनी स्पीड से गई, जैसे यहाँ से मारी मैंने। छोड़, मैं जा रही हूँ किचन में, अब आ जाऊंगा। चल बना फिर, बनवाऊंगा खाने के लिए। इसको अच्छी अच्छी चीजें चाहिए और कहना मानने के लिए बोलता तो नहीं बोल देता, इसलिए मुझे इसके ऊपर भयंकर गुस्सा आती है। छोड़ो हटो अब। तो गाइस आज बना रही हूँ मैं शिमला मिर्ची पनीर की सब्जी, और शिमला मिर्ची मैंने मसाले में डाल दिए हैं, अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जस्ट अभी डाली हूँ मैं शिमला मिर्च। तो गाइस अभी मैं पनीर खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं कह रहा था ना कि बनेगा तो गाइस बना लेती हूँ मैं खाना, अभी तो टाइम लगेगा सब्जी बनने में, थोड़ी देर लगेगी क्योंकि शिमला मिर्च अभी डाली हूँ मैं जस्ट। कैप्सिकम गाइस, शिमला मिर्च पनीर की सब्जी हो गई है रेडी और रोटी भी बना ली मैंने, अब खाते हैं खाना। गाइस खाना तो हो गया है रेडी, खाने के लिए भी अंशु तैयार है आज, उसको पनीर की सब्जी पसंद आती है इसलिए वो आज बोल रहा है कि मम्मी मुझे जल्दी खाना दे दो, यही चल भूख लग रही जल्दी दो, ये मम्मी भूख लग रही मुझे जल्दी दो। बाकी आज उनके यहाँ गए थे भजनों में, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, दो ही हजबैंड वाइफ से, दो ही जने देखते हैं मेरे ब्लॉग, सब्सक्राइबर भी है। हाँ सब्सक्राइबर भी है वो, और यूँ उनका मायका है यहाँ, तो उनको छोटे से ही जानती थी, मेरे सामने ही रहते थे पहले वो, अब तो खैर थोड़ा दूर रह रहे उधर। बाकी ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।